गोरखपुर मंडल में पिछले साल की तुलना में 25,000 से अधिक किसानों से धान को खरीदा गया, जिसके संबंध में संभागीय खाद्य नियंत्रक प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि गोरखपुर मंडल में पिछले 4 महीनों में धान खरीद की कार्रवाई की गई है और शासन के निर्देशानुसार छोटे किसानों से धान को खरीदना था, जिसको देखते हुए इस बार 25,000 से अधिक किसानों से धान को खरीदा गया है, जिसमें कुल 1,25,000 किसानों से धान की खरीदारी हुई है। उन्होंने कहा, धान खरीद में ज्यादातर छोटे किसान है और सभी किसानों को समय से 1200 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है और आगे भी यह धान खरीद की प्रक्रिया किसानों से जारी रहेगा, जिससे किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संभागीय खाद्य नियंत्रक प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए गोरखपुर मंडल में पिछले 4 महीने में धान खरीद की कार्रवाई हम लोगों ने 4 जिले में की है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि इस बार हम लोग को सभी छोटे किसानों को टारगेट करके और छोटे किसानों से हमें धान खरीद करनी है। तो ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग का टारगेट अचीव हुआ है और हम लोगों ने पिछले साल के मुकाबले 25,000 अधिक किसानों से धान खरीद किया है और टोटल 1,25,000 किसानों से धान खरीद किया गया है। ज़्यादातर इसमें छोटे किसान हैं और साथ ही में इन सभी किसानों को समय से लगभग 1200 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि हम लोगों ने जो धान खरीद की परंपरा इस बार स्थापित की है छोटे किसानों से खरीद करने के लिए, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी और किसान भाइयों को इससे फ़ायदा मिलेगा।